अभी जयराम रमेश जी ने आपको जो भी टिप्पणी की है और जो आपने वादा किया नहीं निभा पाए उसके लिए सॉरी फील भी किया है, और ये भी कहा है कि आपने कवरेज रीजनल प्रेस में अच्छे दिए हैं, उसके लिए मैं आपका विशेष शुक्रगुजार मैं भी हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों आपने खुद ने कहा अंग्रेजी न्यूज़पेपर कवरेज नहीं दे रहे, ये भी एक आश्चर्य की बात है और दुखद बात है, क्योंकि सामरिक सरोकार तो उनका भी होना चाहिए। ज़्यादातर सामरिक सरोकार के लिए महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस का माहौल देश के अंदर हो, तनाव नहीं हो, रक्षा हो संविधान की और लोकतंत्र की। यात्रा का ज़्यादा सवाल है, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, इसने एनडीए गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी घबरा गए हैं। बीजेपी के नड्डा साहब और बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं, इसलिए मीडिया पे दबाव है उनका कवरेज नहीं देने का, मेरा आरोप है ये। और मीडिया दबाव आ रहा है दिल्ली के अंदर, कोई कारण नहीं है कि इतनी लंबी यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे टफ यात्रा है, और एक उद्देश्य को लेके की गई। कल मैंने मीटिंग में कहा था 3 मकसद, नंबर 1 महंगाई, क्या सामरिक सरोकार नहीं उसका, नंबर 2 बेरोजगारी सामरिक सरोकार है, और नंबर 3 तो सामरिक सरोकार भी है, मानवता भी है, राष्ट्रवाद भी है, सब कुछ है। तीनों मोर्चे पे लेके राहुल गांधी का कारवा चल पड़ा है, रुकने वाला नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा डरो मत, ये भी एक मैसेज पूरे देश के अंदर है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से यात्रा बहुत कामयाब होके चल रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि 3-3 घंटे उनको मालूम है कि 3:30 बजे यात्रा शुरू होगी, तभी वो 12 बजे आके अगर खड़े हैं, 500, 700, 1000, 2000 तो खड़े ही हैं 3 घंटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। आगे पीछे आप सब नोट करते होंगे बैठे हुए, ये क्या अंकित करता है। जो वो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, नफरत छोड़ो के नारे लगा रहे हैं, जिस उत्साह से लगा रहे हैं उसमें एक मैसेज आता है कि ये चाहते कि ये जनता क्या चाहती है, तो जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही, ये तो हालात आप देख रहे हो। और जहाँ तक जनरल रमेश जी पहले भी कहते होंगे, इसका कोई वोटों की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सीधा संबंध नहीं होता राजनीति में। जो हम एक्टिविटी करते हैं, कोई धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यात्रा निकालना बहुत बड़ी बात है, उसका ही मैसेज होता है। आप धरना क्यों देते हैं, पब्लिक की जो इश्यू होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हो। पब्लिक तो आगे बैठ नहीं सकती धरने में, सब हजारों लाखों लोग बैठ नहीं सकते, आप 100-200 लोग बैठते हैं, प्रभात फेरी भी निकालते हैं, तो एक पब्लिक क्या चाहती है घरों में बैठी हुई, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को मैसेज देने के लिए, ये डेमोक्रेसी है। उसमें राहुल गांधी जी पूरी तरह कामयाब हुए हैं। मैं उनको यात्रा हमारे राजस्थान का आज अंतिम दिन है, कल सुबह हम हैंडओवर करेंगे, तो आगे की यात्रा के लिए राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं, हम लोग सब मिलके उनको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आगे की यात्रा के लिए भी। और इतना भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जैसलमेर, बाड़मेर लगा के, धौलपुर हो, झालावाड़ हो, जो जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ के लोग नहीं आए होंगे। इसमें आपको हजारों लोग वो मिलेंगे जिनको जिनको एक जो इनकी थीम है उससे प्यार है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, और जो राहुल जी का ये नॉन वायलेंस की और जो भावना है, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, कानून का राज रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। कल मैंने भी कहा था कि अब जो है
जुडिशरी डर है, जुडिशरी को डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर, और ईबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को डर है। मतलब ये दबाव में नहीं है खाली, अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको डर लग रहा है। अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा? ऊपर से हुक्म आते हैं आपको, इलेक्शन जाना होते हैं, उसके पहले जाके कहाँ का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है। जो चंदा को देने वाला हो अपनी पार्टियों को, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको, चंदा सिर्फ हमारे पास में आए बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी रूप से। एक तरफा खेल चल रहा देश के अंदर। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजबूत रहना सबसे सर्वोपरि सर्वोत्तम क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन कर करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी देख रहे हम लोग, बहुत ही, मैं बार बार कोई पत्रकार को खुश कर ले नहीं कहता हूँ, मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, डिस्कशन आते हैं आजकल, वो सत्य हिंदी का आपका ऐप, एक ऐप बना लगा वो आशुतोष का, उस ढंग से और कई ऐप बन गया आजकल, तो रवीश कुमार का ऐप बन गया होगा। मैं देखता हूँ उनमें जो डिस्कशन बैठते हैं, आपके आपके साथी होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे, क्या क्या मतलब लोगों की सोच है, क्या चिंतित है लोग। कई लोग तो लिखते लिखते थक गए, अब आपके कहाँ तक लिखेंगे इनके बारे में। तो पहले कांग्रेस शासन में क्या था, लोग क्या कहेंगे उससे शासन कांग्रेस करती थी, जनता क्या सोच रही है हमारे बारे में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा, अब 7-8 साल में कोई इस्तीफा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर कांग्रेस की और इन लोगों की सोच के अंदर। ये सब बातों को हमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा, उस रूप में ये मैं महसूस करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान की मैं बात करूँ, मैं कह सकता हूँ ये यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। नंबर वन, ये यात्रा हमें संदेश दे रही है हमारी सरकार को भी, हर यात्रा संदेश देती है चाहे वो किसी पार्टी की हो। अब संदेश हम कैसा लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो हमारे ऊपर है। इस यात्रा से हमने संदेश लिया है कि हम अगली बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, वो इस हमारी सरोकार की बात आती है, महंगाई पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कल मैंने 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को और उज्ज्वला वालों सबको, खाली टेंकियाँ पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने खूब उसको लंबा चौड़ा कैंपेन किया था, और वो इतना महंगा हो गया सिलेंडर 1040 से ज़्यादा हो गया। आज हमने कहा है उन लोगों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसे हम कई कदम उठाए हैं, उठाएंगे, आगे बजट में भी कोशिश करेंगे कि महंगाई की मार, आज हमने चिरंज योजना है, ये भी महंगाई को आप अगर जोड़े हैं तो एक घर में थोड़ी सेविंग हो गई, तो दवाइयों में, ऑपरेशन में पैसा खर्च होता है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो ये भी एक सेविंग। मतलब जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारी है, उड़ान भी क्यों नहीं हो, सब में अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो आप सोच सकते हो कि इससे महंगाई की मार थोड़ी कम पड़ती है। इस रूप में हमारी जो भी योजना है, मैं समझता हूँ कि वो योजना तमाम आप खुद महसूस कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी को हमने जो रखा है थीम में, वो हमारा आगे भी चलता रहेगा। पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं पेंशन, और आपको आश्चर्य होगा कि 9-10 लाख लोगों को देते हैं। पहले मेरे को अंदाजा 20-25 लाख को देते होंगे, 200 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, तो राहुल गांधी जी ने अगर बोले 5 पॉइंट चेंज योजना का, और इंदिरा गांधी रोजगार योजना शहरों के अंदर, और उड़ान महिलाओं के लिए, पुरानी पेंशन, 5 पॉइंट जो है
मैं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मोदी जी को कि राहुल गांधी जी ने जो फीडबैक मिला उनको, ये ऐसा नहीं बोले, वो हमारे कहने से नहीं बोले, मैं आपको कह सकता हूँ, उनकी जो प्रकृति में जानता हूँ ये सब जानते हैं, वो ऐसा नहीं कि हमने कह दिया आप बोल रहे हो हमारे लिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया, वो नहीं मानने वाले। उन्होंने जो यात्रा की है 2000 किलोमीटर ज़्यादा की, जो फीडबैक आया जनता ने उनको, उसके आधार पर कल उन्होंने अपनी बात कही है। तो क्यों नहीं डेमोक्रेसी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी की यात्रा का फीडबैक जो उन्होंने कल दिया है, हमारी योजना महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की बात करी, आप कल्पना कीजिए, मैं खुद इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ बचपन से ही, इतने सीख नहीं पाए इंग्लिश को, वो छोड़िए मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त में दक्षिण में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे और नॉर्थ के अंदर इंग्लिश के खिलाफ आंदोलन होते थे, हम उसके भागीदार हैं। 40-50 साल में देखा कि वास्तव में कल राहुल गांधी जी ने जो एक्सप्लेन किया, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर आपको दखल करनी है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। वो काम हमारे जब शिक्षा मंत्री थे दोतासा जी, तब कर दिया हम लोगों ने। आज 1600 स्कूल खुली है, कल राहुल गांधी ने कह दिया है इन स्कूलों में कमी नहीं आनी चाहिए, तो आप देखोगे एक जाल बिछा देंगे हम लोग, जहाँ मांग होगी। आज भी लॉटरी खोलनी पड़ रही है बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चे बोलने लगे इंग्लिश। परसों जब प्रदर्शनी में गए राहुल गांधी जी, तो कई बच्चों ने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करी। तो आप 5-10 साल के बाद में हमारे बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे, वो कम्पीट करने की स्थिति में आ जाएंगे इस दुनिया के अंदर, जो इंग्लिश की दुनिया भी है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि तमाम जो इंग्लिश स्कूल की बात, उड़ान की बात कई महिलाओं के लिए कर उन्होंने, संकोच में लोग बोलते नहीं है, टाइम चला गया, घूंघट में महिला बोलती नहीं है, इन्फेक्शन बार बार होते हैं, दवाई लो कि तब बात बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कैंसर हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं। मैंने डॉक्टर पूछा क्या क्या संभावना है, आप बताइए। आज हम चाहते हैं कि सरकार ने दिया है, कल वो सक्षम खुद हो, 12 नैपकिन पर मंथ देंगे हम लोग, इस पर आपके आर्टिकल आने चाहिए आप लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। ये हो गया शहरी रोजगार योजना, करीब 4 लाख लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है, पर मैंने कल रात को ही कलेक्टर से बात करी, यहाँ लोकल भी इतने खुश हैं कि छोटे बड़े काम जो हैं वो तमाम काम इनके जो रोजगार के माध्यम से हमारे होने लग गए हैं। OPS मुझे मालूम प्रधानमंत्री जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे, नीति आयोग NK सिंह साहब हमारे चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन शायद डॉक्टर पनगड़े बोले मेरे ख्याल से, अंदाज है मेरा, कई लोगों ने इसको एक प्रकार से इसको नहीं मान रहे, नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब देश की आज़ादी के बाद से, जब से पेंशन लागू हुई है, अभी तक देश ने प्रगति भी करी है और पेंशन भी दी है सबको, लगता है कि 1.5 लाख पेंशन मिल रही है इसको, DA के साथ बढ़ रही पेंशन, ये नहीं सोचते कि 1.5 लाख की कीमत क्या रह गई, आज 1 लाख की कीमत क्या रह गई है, रुपये की अवमूल्यन हो रहा है। तो ये जो है सोच जो है कि ये संभव नहीं है, या ये मतलब उचित नहीं है, मैं मानता हूँ ये उचित है। और इसको ह्यूमन राइट कमीशन CNAG जिसके मिस्टर राजीव महेश हमारे राजस्थान के कैडर के हैं, मुझे दुख होता है जो राजस्थान कैडर का ऑफिसर CNAG था तब तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किए थे कि ना नियम बने ना कायदे बने ना कुछ नहीं हुआ, 15 साल के बाद में आलोचना करी, अब वो आर्टिकल लिख रहे मेरे ख्याल से इसके खिलाफ में, दबाव में वो भी होंगे, हर वो व्यक्ति दबाव में है जो सरकार की से असहमति व्यक्त करता है या आलोचना करता है। जुडिशल कमीशन वो कह रहा हम नहीं लागू करेंगे इसको, आर्मी कह रही है कि क्या तरीका है, आर्मी को दे दिया OPS लागू आज भी है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है BSF है ITBP जो भी है वो तमाम में आपने NPS कर दिया, वो भी भेदभाव किया आपने। आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, अग्निवीर लेके आ गए हो, ये अग्निवीर बला क्या है, 4 साल की सर्विस, 18 साल में प्रवेश करो, 22 साल में निकल जाओ आप,
22 साल बाद में बच्चा करेगा क्या? आजकल तो बच्चे शादी 25 26 27 28 पे करते हैं, ये मजाक नहीं है क्या? बोल नहीं रहे क्योंकि कह दिया जो बोलेगा मुकदमा दायर हो जाएगा, उसको नौकरी कोई नहीं मिलेगी। उसके बाद में आंदोलन शांत हो गया देश के अंदर, पर दिलों के अंदर आज भी आक्रोश भी आग लगी हुई है, भविष्य अनिश्चित है। तो सब भी वो लॉटरी की तरह जाएंगे अग्निवीर में, अग्निपथ में, क्योंकि 25% लोगों को नौकरी मिलेगी, वो 25% वाला दाव लगाएंगे लॉटरी की तरह। हो सकता 25% में नंबर आ जाए मेरा, बोल नहीं रहे, पर ये खुद को सोचने की बात है भारत सरकार को। तो ये जब OPS हो गया, चिरंजीवी योजना हमारी बहुत शानदार है, बार बार हम क्या कहें आपको, देश भर में राइट टू हेल्थ कानून बनना चाहिए, भारत सरकार का कानून बनना चाहिए, देश के अंदर लोकसभा में कानून बनना चाहिए, जैसे सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कानून बनवाए, RTI RTE, महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनवाया, उसी ढंग का कानून बने इसका आपका चिरंजीवी राइट टू हेल्थ, हम ला रहे बिल यहाँ पर पेश कर दिया गया राजस्थान असेंबली के अंदर, ये कानून बने सबको हेल्थ का अधिकार मिले कम से कम। इतना महंगा इलाज होता है, घर बिक जाते हैं, गहने रखो गिरी रखो, पता नहीं क्या क्या होता परिवार के अंदर, 500-700 तो मामूली छोटा मोटा बुखार भी खर्च हो जाते आदमी के। तो ये हमने आज जो सिक्योरिटी दी है, राजस्थान के लोग बहुत खुश है इससे। जहाँ हम गाँव में गए, मैं भी गया हूँ 15 दिन घूम रहा हूँ साथ में, जहाँ पूछो गाँव में सब लोग इससे खुश है। ये बात है जो मैंने कहा, 5 योजना हमारी जो है, ये जो राहुल गांधी जी का जिक्र किया, इसको हम आधा बनाएंगे आगे बजट के अंदर भी, और आगे भी हम आधा बनाएंगे पब्लिक को एजुकेट करने के लिए भी, पब्लिक को राहत मिले सुनिश्चित करेंगे, ये योजना हमारी पूरी तरह कामयाब हो। योजना बनाना एक बात है, कामयाब होना दूसरी बात है, सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं में कोई कमी नहीं रहे, नहीं बनती है कुछ कमी रहती है, धीरे धीरे उनको दूर कर लेंगे। तो ये बातें तो मैं कहूँ, इतना काम है मेरे कहते काफ़ी हो गया, नहीं वो मेरे तो 2 घंटे बहुत कम है, इनको भी तो खाना वाना खाना होगा, मेरे कहते खत्म करो। कल राहुल जी ने बात की गई की बात की GI की, वो एक नया कंसेप्ट है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कल, कि जो ऐसे लोग नए आप देखते हो 8-10-15 सालों के अंदर, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट ओला उबर स्विगी जोमेटो, ये का जो सेक्टर डेवलप हुआ, इसमें लोग तकलीफ में हैं, वो लोग शोषण करते हैं, इनका निकाल देते हैं नौकरी से, कई लोगों ने खुद ही टैक्सी खरीद के लगाई। एक व्यक्ति मेरा सरदारजी थे, राहुल जी का इंटरेक्शन हुआ, उसने कहा मैंने 3 टैक्सियाँ खरीदी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए मैं इस काम में खुद पड़ा हूँ कि मैं क्यों नहीं इन लोगों की मदद करूं कि जो ये गिग वर्कर्स हैं। पूरा एक्सप्लेन किया है, मेरी 3 टैक्सी बिक गई, मैं कर्जदार हो गया, तो मुझे पीड़ा जो मैंने सही है वो मैं चाहता हूं कोई नहीं सहे। तो राहुल जी ने जो कल फीडबैक के आधार पर बात की आपसे, इस पर भी हम चाहेंगे कि कौन कोई बजट के अंदर हम ऐसा प्रोविजन करें जिससे कि इन गिग वर्कर्स का भी भला हो देश के अंदर, ये हमारी सोच रहेगी। ये बात हो गई आपके सामने, बाकी तो अभी आप देख रहे हैं कि भाई, तो मुझे कहना है कि सरकार की जो मंशा है कि जो हमने योजना लागू करी है उसको हम लोग पूरी लागू करेंगे, उसको बनाएंगे हम। एक बात हमारे विपक्षी लोग बार बार बोलते हैं कि सब कर्जा माफ नहीं किया, राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव वादा किया था, मैं उनको कहना चाहूँ झूठ बोलना छोड़ो, झूठ बोलना पाप है, पुरानी कहावत है, सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गांधी जी ने कहा था। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ जो आपको मालूम पड़ेगा, ये नानक राम जाट है, गांव धानिका जयपुर का है, इसे 14,42,000 कर्जा माफ हुआ है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। एक राम सिंह गुजर है दोसा का, उसका 5,20,000 रुपये कर्जा माफ हुआ। एक राम खिलाड़ी मीणा है राजगढ़ का, अलवर का, इसी जिले का, उसे 3 लाख रुपये कर्जा माफ हुआ है। और एक देवीलाल है राजनगर का, गंगानगर का, उसका PLDB प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक होती है, जहाँ जमीन रहन कर रखनी पड़ती है,
तो हमने उनका 18,38,000 रुपये कर्जा माफ किया, तो उसकी रहन रखी हुई जमीन छूट गई। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। उसके बाद में इनको शर्म भी नहीं आती है, एक झूठ को सौबा बोलो तो सच का एहसास होता है, उस थोड़ी पे चल रहे हैं। मैंने पता नहीं आपको कहा या किसी को कहा कि वो जो गोवेल्स था, गोवेल्स ये पता नहीं कि मामा का भाई लगता था क्या लगता था, उसी ढंग के ही लोग बिहेव कर रहे हैं, गोवेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं उनके क्या भाई लगता था, भतीजा लगता था, समझ नहीं आती। अंग्रेजी में आप लोगों ने सीख लेता हूँ। तो आप बताइए, कुछ कुछ रिश्तेदारी है इनकी, बीजेपी गोवर से रिश्तेदारी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दोनों की सोच एक सी है। मतलब हर चीज में झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं, कब तक झूठ बोल के राज करेंगे ये टाइम बताएगा। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमने बहुत कदम उठाए, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बताना नहीं चाहता आपको कि किस किस प्रकार से हमने महंगाई को कम करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं, उसका हर हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। कोरोना के अंदर मैंने 35,00,000 लोगों को ढूंढा घरों से, रियल एस्टेट में सोने वालों से, डेस्टिट्यूट को 5,500 रुपये, 1,000 करके एक बार 1,500 दिए, 5,500 दिए उस एक साल में, तो कम से कम जिंदगी में भूखा नहीं सोए। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भूखा नहीं सोना चाहिए। माँ जो हमने वर्ड काम लिया था, कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान में, वही वर्ड काम लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भूखा नहीं सोए भारत सरकार को आदेश दिया है। आप सोच लीजिए क्यों नहीं भारत सरकार, वही जो मैं फिर आता हूँ बात पे कि क्यों नहीं वो कानून बनाती है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और वो तब होगा तब विदेशों के अंदर जो वीकली पैसा मिलता है, हर परिवार को पैसा मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा जानते होंगे, जनरल रमेश जानते होंगे, सरदार साहब जानते होंगे, दुनिया में लोग रहते हैं, वीकली पैसा मत दो, एक मंथली दो भाई। पर आदमी जो है मजदूर भी का एक बिल्डिंग बनती है, बहुत शानदार शान सेंटर विस्टा बन रहा है, तो खाली मशीनों से काम नहीं चलता, वहाँ मजदूर भी काम करता है। मजदूर जब 60+ हो जाता है, सही साथ नहीं देता उसका, उसके बाद में बड़े बता दीजिए वो क्या करें। घर की परिस्थिति अलग अलग होती है, बाप बेटों की या पोतों की जो भी है, आदमी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए क्या? उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को जो नीडी है उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, वो कानून पार्लियामेंट लाना चाहिए। ये सब राहुल गांधी की भावना है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे मेरी अच्छी बात हुई है, और हम चाहेंगे कि ये यात्रा में आपने भागीदारी निभाई, आपने इतिहास बनाया है, आपका भागीदार। कल मेरे मित्र आए 3-4 पत्रकार जयपुर से, साहब इस यात्रा में हम आना चाहते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्रा है, हम भी इसके भागीदार बने।